महिला जिला अध्यक्षा भी हैं और आरजेडी में महासचिव हैं सर। आरजेडी की प्रदेश महासचिव भी है अभी है। हाँ है, कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं। अगले में निशा यादव जी जो सारण से आई हुई है, कृपया आप भी दो ही बात का स्वागत। ठीक है, मैं अर्चना यादव प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल और अखिल भारतीय यादव महासभा महिला प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष वैशाली जिला से हूँ मैं। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा। जानते हैं तो कोई बात नहीं, सभी लोगों को समय देना चाहिए। मैं वैशाली जिला में कुछ हद तक कमेटी का गठन भी कर ली हूँ और मंजू यादव जी के द्वारा ही मैं की हूँ, उन्होंने ही मेरा सहयोग किया है कमेटी का गठन करने में। और मैं कुछ दिनों अपने लास्ट तक मैं एक वहाँ पे प्रोग्राम भी दूंगी वैशाली जिला में और बहुत मजबूती के साथ वहाँ महिला आएंगी और हम लोग बहुत अच्छे से कार्यक्रम करेंगे वहाँ पे। और रूबी मैम को धन्यवाद देती हूँ, जिला अध्यक्ष बनाई और मिनिस्टर प्रभाव से मैं वहाँ काम करूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार मैं अच्छा से बोल लूंगी और क्योंकि अभी मौका नहीं है, सभी लोगों को मौका देना चाहिए बोलने के लिए। ठीक है, मैं कुछ लाइन बोलती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक। कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़े पे बिके हुए लोग, करते हैं बरगद की बागने, गमले में उगे हुए लोग। तो इस बात से आप समझ जाइए कि हम लोग क्या हैं और वो लोग क्या हैं। टुकड़े पे पले हुए लोग वो लोग हैं जो हम लोग को दबे कुचले बोलते हैं और वो गमले में उगे हुए वो लोग हैं जो बरगद जैसी बातें करते हैं। बरगद जैसी बातें हम लोगों को करनी चाहिए, हम लोग बरगद है और कोहनी पे टिके हुए लोग वो लोग हैं। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है और इसके बाद यादव महासभा को आगे बढ़ाना है। इस बात को मैं पानी को विराम देती हूँ। आप लोगों को थैंक यू।